नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीतू रसोई में। यह मेरी पहली YouTube वीडियो है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ इडली और आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। देखिए, मैं 2 गिलास चावल ली हूँ, उसमें 1 गिलास दाल ली हूँ और थोड़ी सी मेथी डाली हूँ मैं इडली बनाने के लिए। अब इसे पानी से अलग कर लिए हैं, पानी से धो दिए हैं इसे। अब चावल को हम ग्राइंडर में पीस लेते हैं। देखिए, मैं ग्राइंडर में पीस रही हूँ। अब इसे निकाल कर एक बर्तन में डाल देते हैं। इसी तरह हम पूरा चावल को पीस कर एक बर्तन में रखेंगे। ये मेरा चावल पीस चुका है। मैं इसे ढक कर, अभी रात को मैं शाम को पीस रही थी, मैं इसे ढक कर रख देती हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ इडली। अब इसे मैं थोड़ा सोडा ऐड कर दी, ताकि ये सॉफ्ट बनेगा। गाढ़ा है तो थोड़ा सा मैं पानी डाल दे रही हूँ इसमें, थोड़ा सा और मुझे लग रहा है कि लेगा। अब इससे मैं इसमें ऑयल लगा दे रही हूँ, क्योंकि ये इडली बनाते समय निकालते समय इसमें चिपक ना जाए। तो देखिए, मैं इस तरह से इसमें ऑयल लगा रही हूँ, हो गया है। अब इसे मिला लेती हूँ मैं। गैस को हम ऑन कर दे रहे हैं, गैस ऑन हो गया है। अब इसे मैं डाल देती हूँ। इस तरह डाल देना है। इसमें पानी थोड़ा सा डाल के मैं इसमें चढ़ा दी हूँ। इसी तरह मैं तीनों बर्तन में चावल को डालकर उसमें देखिए तीनों हो चुका है। मैं इसे ढक दे रही हूँ अब, और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। देखिए, 10 मिनट हो चुका है मेरा। इसे चेक कर लेते हैं ये पका है या नहीं पका है। तो पक गया है, 10 मिनट में पक जाता है ये। ये गर्म है इसलिए मैं कपड़ा यूज कर रही हूँ। कपड़ा के सहायता से निकालेंगे तो जलेगा नहीं हाथ। देखिए, अब चक्कू के सहायता से इसे अलग कर लेते हैं। इस तरह चाकू से निकाल लेना है इसे, एक प्लेट में रख देना है निकाल कर। देखिए कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे इडली बना है, बनकर रेडी हो गया है मेरा इडली। आप भी इस तरह इडली बनाने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, सीख सकते हैं आप, या अपने घर में बना सकते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि मैं अगली वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन आपके तक आ सके। देखिए इडली कितनी अच्छी बनी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।